हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से आप किस फिल्म को सबसे पहले देखने वाले हैं। इनमें से कुछ वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी और कुछ रिलीज होने वाली है। सबसे बड़ी बात की मैं इस लिस्ट में आप लोगों के लिए हॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्में और वेब सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन सी फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। नंबर वन पे है रात्रि की यात्री सीजन टू। रात्रि की यात्री वेब सीरीज का पहला सीजन बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसके चलते अब रात्रि की यात्री सीजन टू भी एमएक्स प्लेयर पर रिलीज कर दिया गया। ये एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है जिसके हर एपिसोड में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी कहानियों में सिर्फ एक ही जगह पर फोकस किया गया, रेड लाइट एरिया। ये वेब सीरीज दिखाती है कि कैसे लोग अपनी समस्याओं से कुछ देर के लिए आजादी पाने के लिए रेड लाइट एरिया पर जाते हैं। जो लोग समाज से तंग आ चुके हैं उन्हें बस एक ही जगह सुकून मिलता है, रेड लाइट एरिया पर। हालांकि ये एक एडल्ट वेब सीरीज है जिसे 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है। नंबर टू है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट 2022 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म है जिसे थिएटर में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। ये एक मिस्ट्री एडवेंचर फिल्म ड्रामा है जिसमें आप लोगों को लाजवाब एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाती है जिसे नहीं पता होता कि वो किन लोगों से बचकर भाग रहा है, और जो लोग उस आदमी को पकड़ना चाहते हैं वो ये नहीं जानते कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। वो आदमी अचानक एक दिन बिना याददाश्त के मेक्सिको के हॉस्पिटल में उठता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाना होगा और वहां पर ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। नंबर थ्री है दी वॉचर। दी वॉचर के बारे में बात की जाए तो ये एक हॉरर मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इस वेब सीरीज को 8.4 IMDb रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड हैं और इसकी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 2014 में घटित थी। एक परिवार जब अपने सपनों के घर में रहने आता है तो उन्हें घर में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। उन्हें डराया जाता है और घर को खाली करने की धमकी दी जाती है, और ये सब एक आत्मा के द्वारा किया जाता है। आगे की कहानी आप नेटफ्लिक्स पर देख लेना, हिंदी में आप लोगों को मिल जाएगी। नंबर फोर पे है गुड बैड गर्ल। गुड बैड गर्ल सोनी लिव पर रिलीज हुई एक वेब सीरीज है जिसमें 9 एपिसोड है। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई गई है लॉयर माया अहूजा के झूठी और सच्ची दुनिया की। वो एक मजाकिया लड़की है जो सच्ची और कड़वी बातों को भी मजाकिया ढंग से कह जाती है। आपको बता दूं कि ये वेब सीरीज आप लोग इससे बहुत रिलेट करने वाले हैं, और जब भी आप देखेंगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर फाइव पे है मिसमैच सीजन टू। मिसमैच सीजन टू नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है जिसका पहला सीजन बहुत ही पॉपुलर रहा। पिछले सीजन में दिखाया गया था कि दो टीनेजर्स जिन्हें उनके परिवार द्वारा सेटअप किया जाता है, उन दोनों के बीच एक कच्ची मित्रता होती है। अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे सीजन को रिलीज किया गया है। ये एक टीनेज वेब सीरीज है जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। खासकर ये फिल्म, ये वेब सीरीज उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो अभी कॉलेज लाइफ में है या जिन्हें ऐसी फैमिली ड्रामा सीरीज देखना पसंद है। नंबर सिक्स पे है दोबारा। दोबारा तापसी पन्नू की ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसे इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन लोगों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। इस फिल्म में आप लोगों को टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसमें एक लड़की टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाती है और एक मर्डर को रोकने की कोशिश करती है। क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो ये जानने के लिए देखिए और जाइए नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों, ये है कुछ बेहतरीन वेब सीरीज और फिल्में जो आप लोगों के लिए ही बनी है। आप लोग जाइए और इस वीकेंड एंजॉय कीजिए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।